मोरे जिया। ओ गॉड, जान निकल रही है मेरी भूख से, कुछ खाया भी नहीं है मैंने। हलवा? ओ हाँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना हलवा? हाँ भाभी। तुम हलवा कैसे खा सकती हो? तुम तो डाइट पे हो, राइट? ओ हाँ बिल्कुल, मैं कैसे भूल गई, मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ ना। वो क्या है ना भाभी, जब हम डाइटिंग करते हैं ना तो हमें भूख ही नहीं लगती, और मुझे भी भूख नहीं लग रही है। हलवा रूम में रख दो, मैं खा लूंगा। अरे सुनिए, जरा सा टेस्ट तो कर लीजिए। इसमें क्या है टेस्ट करने जैसा? ऐसा ही होगा जैसा हमेशा होता है, उतना ही घी और उतनी चीनी, जस्ट टू परफेक्ट एंड बोरिंग। मुझे खिलाया नहीं क्योंकि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, और जिसके लिए बनाया उसने खाया ही नहीं। सही है। वैसे भाभी, मुझे लगता है कि हलवे में मिठास हो या ना हो, लेकिन पति पत्नी के रिलेशन में तो मिठास होनी जरूरी है, राइट भाभी? हलवा, भूख से जान निकली जा रही है मेरी, मेरा सांता क्लॉस कहाँ है? तुम्हारा सांता क्लॉस यहाँ है मेरी जान। ओह, मेरे सांता क्लॉस ने मेरे लिए पोहा बनाया? ऑफ कोर्स बेबी, यू नो व्हाट, जब भाभी हलवा बना करके किचन से निकल रही थी ना, तो मैं चुपके से किचन में गया, और वहाँ अभय सिन्हा द शेफ ने अपने हाथों से अपनी क्वीन के लिए पोहा बनाया है। लेकिन बेबी, अगर मॉम को पता लग गया कि तुमने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया तो क्या? मॉम थोड़ा सा गुस्सा होंगी बस। नहीं बेबी, बेबी तुम ना ये पोहा खाओ और मॉम की डांट ना मैं खा लूंगा। रियली? ओह, यू आर सच अ स्वीटहार्ट। अच्छा, एक स्पून और। नहीं बेबी नहीं, बस इतना सारा पोहा मुझे यहीं खिला दोगे क्या? मैं तो खड़ी खड़ी थक गई। ठीक है, आ जाओ बेडरूम में, सारा पोहा मैं तुम्हें प्यार से खिलाऊंगा। ये लो। थैंक यू। वेलकम मैम। जया, कल से सिमी का ब्रेकफास्ट तुम्हें बनाना। मॉम वो तो डाइटिंग पे है ना। जितना खाए उतना करो। वो क्या खाना बनाएगी? घर के पाकी लोगों को शेफ बनाकर छोड़ेगी। गुड मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग। आज फिर लेट? हाँ मॉम, रात को काम थोड़ा ज्यादा था इसलिए। हाँ बस निकल ही रहा हूँ। अच्छा, वो गुप्ता वाली मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन कर देना, राइट? गुड मॉर्निंग डैड। चले? हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं मॉम। फिर भी कॉफी? थैंक्स मॉम। आहुजा के केस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पता नहीं मॉम, मीडिया के अकॉर्डिंग ऑपोजिशन लॉयर का कोई चांस नहीं है। आपको क्या लगता है? कुछ कह नहीं सकते। अब मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक केस बनता है। अब ये लड़की नई है, इनएक्सपीरियंस्ड है शायद ही, और अगर कोई एक्सपीरियंस लॉयर होता तो कॉन्टैक्ट यूज करके काफी सारे डॉक्यूमेंट निकलवा सकता है। एनीवेज, लेट्स मीट इन द इवनिंग। बाय मॉम।
साहब कुछ सोच रहे हैं। आदर्श से क्या बात हुई? तुम्हें कैसे पता चला? दोनों का चेहरा देखकर। स्वास्नी बहुत जिद्दी है वो। मेहता साहब ने पहली बार मुझसे एक छोटा सा फेवर मांगा, कोल इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, एक छोटा सा टेंडर पास करवाना। जगह पर मैंने इतनी रिक्वेस्ट की, लेकिन नहीं। आदर्श का दोस्त कोल मिनिस्ट्री में अंडर सेक्रेटरी है। जनाब कहते नहीं नहीं ये हमारे उसूल, मेरे प्रिंसिपल्स, मेरे आदर्श। I mean, I'm sorry, Dad. ठीक है भाई, तुम भी एक बार बात करो ना। अब ये आप दोनों का मामला है, आपस में सुलझाएं। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगी कि अगर वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है तो आप फोर्स ना करें। इस उम्र में सभी आदर्शवादी होते हैं। अपना वक्त भूल गए? सिस्टम को बदल डालूंगा मैं, बदल कर रहूंगा। सच, वो वक्त तो मैं भूल ही गया, लेकिन तुम्हें देखता हूं तो वो याद आ जाता है। चल भाई, हैव अ गुड डे। रोना जरा। स्वाधीनता, दिस इज पत्यम है। क्या? हाँ, कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा नाम आदर्श नहीं, पत्यम हो। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो। बुरा? बहुत बुरा लगा मुझे। और अब तो मेरा मूड बस एक कॉफी से ठीक होगा। गुड लक, बाय। रुको रुको रुको, फोन मत काटना। देखो मैं एक केस में बिजी हूँ तो बाद में बात करें। देखो ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में लॉयर्स को हम जैसे ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत होती है। मैंने सोचा कि तुम्हारी हेल्प कर दूं। Really? Are you sure? 100%. मैं तो सोच ही रही थी कि अगर जानने वाला कोई मिल जाए तो। अच्छा लिसन, नई लॉयर हो पर स्मार्ट हो। तुम अभी हो कहाँ? वार्ड ऑफिस के बाहर। वार्ड ऑफिस? एक काम करो, वहाँ शुक्ला जी से मिलो। शुक्ला जी? पोस्ट क्या है उनकी? क्लार्क हैं बट फुल जुगाड़ू आदमी हैं, तुम्हारा काम करवा देगा। थैंक यू सो मच आदर्श। आदर्श नहीं, तुम्हारे मुझसे पत्यम सुनना ज़्यादा अच्छा लगता। अच्छा ये बताओ कि मुझे कॉफ़ी कब पिला रही हो? एक काम करते हैं, सीपी में चल के कॉफ़ी पीते हैं, वहाँ बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती है। हेलो, एक्सक्यूज मी। जी मैम। शुक्ला जी कहाँ मिलेंगे? चाय पीने गए हैं वहाँ पे। ओह, 1 लाख तो बहुत ज्यादा है शुक्ला जी, एक ही फाइल तो ट्रांसफर करानी है, 25,000 में डन करो ना। 1 लाख से एक नया पैसा कम नहीं। चलो 50,000। ज्यादा बकर बकर करोगे तो ससुरी फाइल ऐसी जगह पहुंचा देंगे कि तुम तो क्या तुम्हारे डैडी तक ढूंढ ना पाएंगे। 1 लाख उतवाना। शुक्ला जी, शुक्ला जी, कुछ काम था आपसे। मैं स्वाधीनता रामाकृष्णन। इसी केस में आपकी हेल्प चाहिए। आपको किसने भेजा मेरे पास? मेरा एक दोस्त। काम क्या है? जी, प्रकाश यादव एक किसान है। मुश्किल है,
शुक्ला जी, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो काम तो हो जाएगा लेकिन पैसा लगेगा। ये हुए आपके 2385। भिखारी लगते हैं क्या हम शक्ल से? देखिए शुक्ला जी, आप प्लीज बुरा मत मानिए, मेरे पास सिर्फ इतने पैसे थे। 1.5 लाख लगेगा। 1.5 लाख? 1.5 लाख? तुमने क्या सोचा कि चिल्लर लेके जाओगी तो शुक्ला जी मान जाएंगे? शुक्ला जी प्लीज थोड़ा तो समझिए ना, ये उन गरीब किसानों की जिंदगी का सवाल है। अरे तो उन गरीबों के चक्कर में हम गरीब हो जाएं क्या? 1.5 लाख हो तो आना। चलते हो? हाँ, प्लीज मैं 1.5 लाख हो तो आना। सर चलते, प्लीज आप मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए प्लीज। शुक्ला जी मैडम, सॉरी गलती हो गई। आप टेंशन मत कीजिए, काम हो जाएगा आपका। पर मेरे पास पैसे। अरे गोली मारिए, पैसे को इंसानियत भी कोई चीज होती है कि नहीं? पर अभी तो आपने कहा कि। अरे तब हमको पता थोड़ी था कि आपको किसने भेजा है। खामोखा पता नहीं क्या क्या सुना दिया आपको। आपको पहले बताना चाहिए था ना कि आप रॉबिन हुड जी की दोस्त है। रॉबिन हुड? More jiyaa।